लगा हुआ है, जिस कारण बहुत सारे कार्य जो है वो जो है, चाहे डेवलपमेंटल है, चाहे विभिन्न विभागों के इंस्ट्रक्शंस के काम है, या अन्य जो है नियुक्तियां करनी है, ये सारे के सारे होल्ड पर है। परंतु बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के लगने से पहले, जो जिनके जो है प्रोसेस चला हुआ था, और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कि इस मौसम में रूटीन में किए जाते हैं, जिन पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का कोई भी उसमें जो है लगने का सवाल नहीं पैदा होता। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर किसी भी प्रकार के कार्य को, कंस्ट्रक्शन के वर्क्स को, एक लिमिटेड हमारे पास सीजन है, और इस सीजन का जो मौसम के कारण लिमिट है, तो कार्य जो है अगर अभी शुरू नहीं किए जाएंगे तो बाद में ये कार्य नहीं किए जा सकते। इस तरह बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में जिनमें प्रोसेस चला था नियुक्तियों का, खासकर स्कूलों को लीजिए आप, जिसमें पूरी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो गया, अब सिर्फ उनको जो है नियुक्तियां देनी थी, वो सारे के सारे होल्ड पर है। हमारे जो स्टेट गवर्नमेंट की स्क्रीनिंग कमेटी है, इसने अभी तक कोई तकरीबन 34 के करीब मदों को स्क्रीनिंग कमेटी ने इलेक्शन कमीशन को भेजा है कि उसमें परमिशन मांगा है। इसमें अगर मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा बताऊं, तो इसमें हमारा जो डिपार्टमेंट वाइज जो परमिशंस के लिए इलेक्शन कमीशन के पास लंबित है, लंबे समय से लंबित है, इंडस्ट्री का एक है, एजुकेशन के 4 मामले हैं, और अर्बन डेवलपमेंट के 2 मामले हैं, ट्रांसपोर्ट जैसे डिपार्टमेंट में जहां पर टायर लेना होता है, ट्यूब लेना होता है, बगैर उसके जो है ट्रांसपोर्ट ठप हो जाता है, उसका मामला पेंडिंग है। PWD में जहां पर हमारे सड़कों को आजकल जो रीसर्फेसिंग करने का सीजन आ गया है, और इसका मामला भी जो है इलेक्शन कमीशन के परमिशन के लिए जो है लंबित पड़ा हुआ है, और इसी तरह से अभी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट का है। आजकल जो है हमारे मौसम है जहां पर न्यू प्लांटेशन की जरूरत है, ये मामला भी इलेक्शन कमीशन के पास जो है पड़ा हुआ है। हमारे पास लैंग्वेज एंड कल्चर डिपार्टमेंट का एक मामला है, पर्सनल के एक मामला है, और हॉर्टिकल्चर का एक है, और हमारे पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के 2 हैं, SAD के 2 हैं, SWD के 1 है, होम डिपार्टमेंट के 3 हैं, जल शक्ति विभाग का 1 है, हेल्थ डिपार्टमेंट के 2 हैं, एक्साइज का 1 है, और PNS का 1 है। कुल मिलाकर जो है करीब जो 34 में से अभी 27 मामले वहां पर लंबित पड़े हैं। तो हमें ये लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है हिमाचल के साथ एक किस्म से न्याय नहीं कर रहे हैं। हमें लग रहा है कि कुछ हमारे साथ जो है सोतादार व्यवहार जो है इलेक्शन कमीशन का हमारे हिमाचल प्रदेश के साथ हो रहा है। और इस जो एक तो हमारा चुनाव जो है आखिरी चरण में है, जो 7वें चरण में है, और ये सारे के सारे रूटीन के काम है, कोई भी नए काम नहीं है, और ये बहुत ही अर्जेंट नेचर के काम है। अगर जिनको अगर समय रहते हुए नहीं किया तो पूरे के पूरे इलाके के लोगों को भारी नुकसान जो है उठाना पड़ेगा। अब स्कूल हमारे जो है आरंभ हो गए हैं दोबारा विंटर जो वोकेशंस के बाद, अब अगर टीचर्स की नियुक्ति ना हो, और ये अभी हम नहीं कर रहे हैं इंटरव्यू या जो इसके कोड एंड फॉर्मेलिटीज थे सारे कंप्लीट हो गए, सिर्फ हम कह रहे हैं कि हम इनको नियुक्त करने की परमिशन दी जाए। करीब 1000 से ज्यादा जो है टीचर्स इसमें जो है फंसे हुए हैं इस परमिशन ना मिलने के कारण। इसी तरह से जो है और डिपार्टमेंट्स के काम है, एक इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में 40,000 जो है स्कूलों के लिए डेस्क का टेंडर करना है, उसकी भी परमिशन नहीं मिल रही है। तो मैं जो है इस किस्म के जो मुद्दे हैं जो प्रदेश के लोगों के आम जो है समस्या के साथ
आम और इसके विकास के साथ जुड़ा हुआ है। हम इलेक्शन कमीशन से आपके माध्यम से दोबारा से जो है उनसे निवेदन करते हैं कि हमारे जितने भी पेंडिंग केसेस है, जैसे कि अब हमने जो इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना के तहत 1500-1500 रुपए जो है पात्र महिलाओं को देने के लिए स्कीम शुरू की थी, भाजपा ने कोशिश की कि इसको जो है इलेक्शन कमीशन के माध्यम से ये जो स्कीम को प्रोसेस करने का जो फॉर्म भरने का जो कार्यक्रम है उसको रुका जाए, परंतु हमें इलेक्शन कमीशन का धन्यवाद करना है कि उन्होंने हमें परमिशन दी है, परंतु 48,000 फॉर्म जो हमारे पास ऑलरेडी आ चुके थे उनका जो प्रोसेस भी हो गया है, उसमें जो है पैसा जो हमने इन पात्र व्यक्तियों को देना है उस पर भी हमने परमिशन मांग रखी है, वो परमिशन भी अभी तक नहीं आया है। तो इस किस्म के जो हमारे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के बाहर है या अर्जेंट जो जरूरत है, अर्जेंसी है, रोड में टारिंग की जरूरत है, खड्डे पड़े हुए हैं पूरे के पूरे, सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण ज्यादातर हमारे सड़कें जो है आज रिसर्फिसिंग की जरूरत है, ऐसे ऐसे कार्यों पर जो है हम कह रहे हैं कि तुरंत जो है इलेक्शन कमीशन फैसला ले, अन्यथा हमें ये लग रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है हमारे जो जरूरी काम है उनके पर उनके ऊपर गौर नहीं कर रही है। धन्यवाद। इनको जो है हमने समय समय पे भेजा है, यहाँ पर मेरे पास डेट वाइज भी है, कई तो जो है 30 तारीख को भी भेजा हुआ है मार्च का, और कई जो है ज्यादातर मेरे पास तो मार्च के महीने का है, कुछ अप्रैल फर्स्ट वीक का है, तो ये डिटेल मेरे पास पूरा है, मैं आपको उपलब्ध करा सकता हूँ ये सब कॉपियां। अब इलेक्शन कमीशन तो एक ही होता है, चाहे वो छोटा वाला स्टेट का डील कर रहा है या बड़ा वाला कर रहा है, हमने तो जो है नियमन उनको जो है ये बहुत समय से इनके पास अर्जियां भेज रखी है। आप इसको दोनों हिसाब से कहते हैं, सौतेला वही होता है, भेदभाव ही होता है, सौतेले के साथ जो है जस्टिस नहीं करते नहीं। अब हमें सौतेला ट्रीट करेंगे तो भेदभाव नेचुरली होगा। कैंडिडेट तो दिन प्रतिदिन कर रहे थे, ये दो प्रकार का मामला है। एक तो ऐसा था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट से पहले जो हमने प्रोसेस कर लिया है उसमें हम कह रहे हैं कि हमें उसमें जो प्रोसेस हो गया उसमें पैसा देने भेजे, तो बीजेपी चाहती थी कि फॉर्म भी ना भरा जाए। जयराम जी गए थे इलेक्शन कमीशन में और हम भी गए, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ये स्कीम आपकी पहले से है, फॉर्म आप भरते रहिए, कोई रोक नहीं है, परंतु प्रोसेस करके फाइनल पैसा इलेक्शन के बाद देंगे। बिल्कुल, क्योंकि चुनाव आयोग जिस तरह से जो चुनाव आयोग का अपॉइंटमेंट का जो तरीका अपनाया गया, जिसमें पहले प्रधानमंत्री, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और एक जो है नेता विपक्ष का, तीन लोग मिलके चयन करते थे, केंद्र की भाजपा की मोदी जी की सरकार ने उस कानून को बदल दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर कर दिया सुप्रीम कोर्ट के, और केवल दो सरकारी प्रधानमंत्री जी के साथ एक और जो है मंत्री अपने मंत्रिमंडल का लिया गया है कानून के मुताबिक, और नेता प्रतिपक्ष है। और इसमें भी आपने देखा हुआ जब ये दो नियुक्तियां की गई, 24 घंटे का समय दिया गया कुल, और लिस्ट पढ़ा दी कोई 200-250 लोगों की, तो क्या ये संभव था कि 24 घंटे में नेता प्रतिपक्ष जो है वो उसमें से छानबीन करें, और छानबीन कर भी लेते फिर भी दो जो है सरकारी हैं, प्रधानमंत्री स्वयं और एक और मंत्री, तो कहां जो है यहां पर निष्पक्ष जो है चुनाव आयोग की कल्पना हम कर सकते हैं। हाँ, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमें तो यही लग रहा है कि हम 30 तारीख से गुहार लगाए हुए, कम से कम जवाब तो आ जाए,
कि होना है या नहीं होना है, अब लटका के रख रहे हैं। अब लूट का खजाना तो मोदी जी ने जो है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से बनाया था, और ये लूट का एटीएम ही कहिए, जहां पर ये था कि मतलब चंदा दो धंधा करो, नहीं तो ईडी और सीबीआई आपके द्वार। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू। आप कर सकते हैं।